आता है ना तो धरती हिलने लगती और भूकंप आता है। तो ये मास्टर का बैच भी इतिहास के फ्रेम पर जुटा हुआ है। अगर हम एक बार भी सर ऐसे ऐसे कर दिए तो फिर जान लो। हाँ देख यहाँ पर लॉर्ड रिपन, कर्जन तो बड़ी दुष्ट था, हाँ, और इतना दुष्ट था, बहुत लोग ऐसे होंगे कि बहुत लोग ऐसा होता है कोई कपड़ा खरीदेगा तो छू कर देखेगा पहले कैसे दलको, कहाँ से खरीदा है, समझो बड़का दुष्ट है। कर्जन भी इसी तरह का था, और किसी भारतीय के शरीर पर अच्छा कपड़ा देखता था तो उसको आश्चर्य लगता था कि यह भी कपड़ा पहनता है। लेकिन जितना दुष्ट कर्जन था उतना ही अच्छा लॉर्ड रिपन था। अंग्रेज में लॉर्ड रिपन को भारतीय अपनी पलक पर रखते थे, कहते थे मेरा भाई है, और इसे भारत की धरती पर लॉर्ड रिपन को एक सज्जन पुरुष के नाम से जाना जाता था, सज्जन इंसान। लॉर्ड रिपन इस बात को समझा कि नागरिक सेवा में भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए उम्र सीमा को 21 वर्ष से जो घटाकर 19 वर्ष जो कर दिया गया है ये गलत है। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि नागरिक सेवा में भर्ती हेतु उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर जो 19 वर्ष कर दिया गया, फिर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। लॉर्ड भारत में लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, और भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय से प्रारंभ हुआ था। लेकिन भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ हुआ। यह जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता था, जो आज भी जारी है, जो आज भी जारी है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल, देखो यहाँ पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन पूछेगा लॉर्ड रिपन का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था, तो स्थानीय स्वशासन के लिए, किस लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता, जिससे गलती से मिस्टेक हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं है, इस सब प्रश्न कभी गलत हुए चीज़ें नहीं है। पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना शुरुआत कब, 1872 ईस्वी, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में प्रारंभ हुआ था। पूछेगा भारत में नियमित रूप से जनगणना शुरुआत कब हुई, 1881 ईस्वी में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, और ये जनगणना क्या साल के अंतराल पर, 10 साल के अंतराल पर होता था, जो क्या है, आज भी जारी है। क्लियर है?